वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जानांगे बाबर दे हमले दी साखी बारे। थोड़े दिन ही गुरु नानक देव जी नूं करतारपुर विखे आए होए सन, जां खबरां पुज्जियां कि बाबर फौज लैके पंजाब ते चढ़े आ रहा है। मरदाने नूं नाल लैके गुरदेव भाई लालो नूं मिलण वास्ते अहमदाबाद नूं तुर पए। हजूर नगर तों बाहर उस थां जा बैठे जिथे पिछों गुरद्वारा रोड़ी साहिब बनिया। खबर सुन के भाई लालो गुरदेव के चरणों विच हाजिर होया। उसने लोधी हुक्मराना के अत्याचारों बारे बड़े दर्द भरे शब्दों विच दसे। भारत के बहुत सारे हिस्से उत्ते लोधी घराने का राज रहा। बहलोल लोधी दिल्ली का बादशाह बनया। उसके पिछों सिकंदर लोधी ते फिर सिकंदर का पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बनया। इब्राहिम लोधी पानीपत की पहली लड़ाई विच बाबर हथों मारिया गया। इस तरह दिल्ली उत्ते लोधियां दी थां मुगलां दा राज शुरू होया। लोधियां दे अत्याचारां बारे तारीख ए फरिश्ता ते तारीख ए दाऊदी दे हवाले नाल इंदू भूषण बैनर्जी लिखदा है, सिकंदर लोधी ने हिंदुओं दे बहुत सारे मंदिर ढा दिते, खास कर मथुरा दे मंदिर बिल्कुल तबाह कर दिते। हिंदुओं दीआं धार्मिक मूर्तियां तोड़ के कसाईयां नूं दित्तियां गईआं तां कि ओह मास तोलण वास्ते मूर्तियां नूं वट्टियां वजों वरत सकण। इत्थे ही बस नहीं, लोधियां दे राज विच हजारा बेगुनाह हिंदू तलवार दी धार हेठ लंघाए गए। लोधियां दे अपने घर विच वी फुट सी। सुल्तानपुर दे दौलत खान ने बाबर नूं हमला करन दा सद्दा दित्ता सी। बाबर ने पहला हमला 1516 ईस्वी विच कीता। 1518 ईस्वी विच कीता। शहर भेरा लुट के वह वापस मुड़ गया। जिसका जिक्र असी कर रहे हैं, यह उसका तीसरा हमला सी। भाई लालो दे मूहों लोधियां दे अत्याचारां बारे सुन के गुरदेव ने शब्द उचारिया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजलै काबुल ताया, जोरी मंगै दान वे लालो। गुरदेव कहंदे गए, भाई लालो जद डाढ़ा नितानिया उत्ते तक्का करदा है तां उसका हिसाब नबेड़न वास्ते कोई होर सख्ता उस उत्ते चढ़ आउंदा है। लोधियां तों अत्याचारां दा बदला लैण वास्ते बाबर आ रहा है। गुरदेव का हुक्म मान के भाई लालो ते कुछ होर श्रद्धालू घर छड़ के दूर जंगल विच चले गए, पर गुरु जी ते मरदाना उत्थे ही रहे। भेरा ते सियालकोट लुट के बाबर पूरी ताकत नाल अहमदाबाद ते जा पिया। लोधी मैदान विच हार गए। चलनहीन कौमां सदा ही हारिया करदियां। बाबर ने सारा शहर लुट लिया। शहर के वासी कैदी बना ले। खासकर सुंदर युवतियां दी रज के बेपत्ती कीती गई। महलां विच जमियां पलियां वालां तों फड़ के धोईयां गईयां। ये हालत वेख के गुरदेव का दिल भर आया। हजूर ने दर्द भरे शब्दों विच उचारिया, जिन सिर सोन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महलां अंदर होंदियां हुण बहन न मिलण हदूर, आदेश बाबा आदेश, आदि पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर वे देखे वेस। लुटिया होया माल जेतुआं ने बंदियां दे सिरां ते चुका लिया ते कैदियां वास्ते बनाए बंदी घर वल तुर पए। गुरु जी दे सिर ते भी एक भारी पंड चुकी हुई सी। मरदाने दे हवाले एक अथरा घोड़ा किया गया जो उहदे वास्ते संभालना औखा हो रहा सी। बंदी खाने विच जाके बहुत सारे कैदियों नूं दाणे ते आटे वास्ते चक्कियां पीण उत्ते लाया गया। मरदाने ते गुरु जी नूं भी इह मुशक्कत मिली। दीन दुनिया दे मालक निरंकार दा भाणा मन के बैठा चक्की पी रहा सी। बाबरदार जरनैल मीर खान कैदियों के उदाले चक्कर ला के सब दे मन की हालत जाचण का यतन कर रहा सी। गुरदेव ने अकाल पुरख नूं संबोधन करके शब्द शुरू किया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोस न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई करलाने तैं की दर्द न आया, करता सुस तू सबना का सोई। गुरदेव दे चेहरे दा प्रभाव ते शब्द दा असर इन्ना सी कि सख्त तो सख्त हिरदा भी पसीज जांदा। मीर खान ने गुरदेव नूं चक्की चलाउंदे ते शब्द गाउंदे तक्या। जिथे बाकी सारे कैदी दिल हार चुके सन, उत्थे ये रब्बी फकीर खुदा नूं अलामे दे रहा सी। गुरदेव दे चेहरे ते कुछ अजिहा नज़र आया जिस तों भयभीत होके मीर खान कंब उठिया। उन्हें सारा हाल शहनशाह बाबर नूं जा दस्या। कुछ मिनट सोच के बाबर आप गुरदेव नूं वेखण आया। गुरदेव उसे तरह अपनी धुन विच बैठे गा रहे सन। मरदाना निरभय बैठा रबाब वजा रहा सी। बाबर बहुत प्रभावित होया। उन्हें आदर नाल झुक के कहा, वली अल्लाह कोई सेवा बख्शो। बाबर का ख्याल सी कि इस कामल फकीर नूं खुश कीत्यां इसदे मूहों असीस प्राप्त की जा सकेगी। ऐ बादशाह बाबर, साडी खुशी चाहुंदा है तां इह सारे कैदी छड्ड दे, इन्हां दा लुट्टिया समान वापस कर दे, इस तों वध सानूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं। बादशाहां दे सामने फकीर झोलियां अड्डी फिरिया करदे हन।
इस अनोखे त्यागी फकीर नूं देख के बाबर बहुत प्रभावित होया, जो अपने वास्ते कुछ नहीं मंगता पर लोगों के दर्द नाल जिसका हिरदा भरपूर है। गुरदेव की खुशी हासिल करन वास्ते बाबर ने अहमदाबाद के सारे कैदी छड़ दिते ते लुटिया समान वापस कर दिता। इस दा असर लोगों उत्ते भी बड़ा पिया। आम जनता ने समझ लिया कि गरीबों का दर्द वंडाउण वाले सच्चे दर्दी गुरु नानक देव जी ही हैं। इस दा सिट्टा सिखी विच बहुत वाधा होया। बाबर इत्थों वापस मुड़ गया ते गुरदेव करतारपुर आ बिराजे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।